क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं उषा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। बिहार में एक बार फिर रामनवमी के शोभा यात्रा के दौरान कई जिलों में हिंसा की झलक देखने को मिली, जिसको लेकर बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। गौरतलब है कि कभी प्राचीन भारत के इतिहास में नालंदा नाम से प्रसिद्ध जिले में खूनी संघर्ष जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। सिर्फ नालंदा ही नहीं, इस तरह से मुजफ्फरपुर, शरीफ, रोहतास समेत कई जिलों में इस तरह की घटना सामने आई है, जिसके बाद हिंसा फैलाने के आरोप में कई लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मुजफ्फरपुर और रोहतास की हिंसा और नालंदा में जो हिंसा भड़की है, जैसा कि आप तस्वीरों से देख सकते हैं, हम लगातार आपके सामने तस्वीरें ला रहे हैं मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा से। और मैं अंचल अधिकारी, थाना अध्यक्ष सब यहाँ मौजूद है, पीवाईटी टीम भी मौजूद है और ग्राम के सभी सरपंच मुखिया के साथ हम लोग शांति समिति की बैठक भी कर ली है। नियम के बारे में भी जानकारी दी गई है, पूर्ण अभी शांतिपूर्ण है और सबको निर्देशित कर दिया गया है कोई भी अगर जान बुझ के समस्या वैसे पता करा जाए। मुजफ्फरपुर ईस्ट और एसटीओ मुजफ्फरपुर ईस्ट हैं, दोनों समुदायों के बीच में शांति समिति की बैठक प्रशासन के सहयोग से आयोजित की गई है। जनजीवन सामान्य है, स्थिति सामान्य है, फोर्स यहाँ पे है और हम लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि स्थिति को बिल्कुल ही सामान्य बनाए रखा जाए। एसटीओ सर बोलना चाहिए। स्थिति नियंत्रण में है, यहाँ पे तनाव उत्पन्न हुआ था और अभी एसपी साहब, डीएम साहब और जितने पदाधिकारी हैं जिले के वो सभी लोग यहाँ पे हैं। सर, जो पुलिस वाले गोली लगने की सूचना है सर? नहीं, वो गलत है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो अभी स्थितम की ओर साथ है सर जी, थोड़ा सा तनाव है लेकिन नियंत्रण में। हर जगह माहौल शांतिपूर्ण है और कहीं भी अफवाहों पे ध्यान न देंगे। जैसे कि कल रात में ही अफवाह फैल रही थी, हम लोग को कुछ कुछ कॉल्स आ रही थी कि फलाने जगह पे घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हमने और फिर एसपी साहब, एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब सब लोग लगातार गए वहां पे और कहीं पे कोई भी घटना नहीं हुई थी। तो ऐसे असामाजिक तत्व, उपद्रवी लोग जो हैं, आपके माध्यम से हम उसको भी सख्त निर्देश देते हैं कि आप लोग ऐसा कोई भी काम न करें। एडमिनिस्ट्रेशन का निगाह आप पे है और आपके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। लिया गया है कि हर मोहल्ले में शांति समिति का नाम लेना है, आज ही शांति समिति की बैठक और आज ही सभी सेक्शन के बूथ पर सभी शांति समिति के सदस्य और सभी समुदाय के सदस्य एक साथ मार्च करेंगे। या केंद्रीय बल के साथ अभी फ्लैग मार्च होगा? हां बिल्कुल, केंद्रीय बल और राज्य बल सबके साथ। आपने नाम डिमांड किए हैं, फोटो डिमांड किए हैं, आई कार्ड बनाने के लिए क्या हो जाएगा? शांति समिति के सदस्यों का एक पहचान पत्र बनेगा, जिसका कहना है कि ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, बाकी कमेटी का गठन हो जाए, बाहर का है तो पहचान नहीं पा रहा है, तो एक पहचान पत्र हम लोग इशू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले बिहार के कई जिलों में हिंसक झड़प हो गई, जिसके बाद सासाराम में होने वाले कार्यक्रम को भाजपा के नेतृत्व में रद्द कर दिया गया। इसके बाद सीएम नीतीश ने बीजेपी पर हमला करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन आश्चर्य का पपरा, ये होंगे कोई और कारण होगा, ये हमको नहीं पता है। आ काहे के लिए रहे वो जाने, आप नहीं आए हैं तो वो जाने, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से हर तरह का ये रहता है और ये घटना घटी है, ये बहुत दुख की बात है और जरूर कोई ना कोई घचपच किया है।
तो हम लोग तो पूरे तौर पर इन लोगों को कह दिए कि अंदर से पता करें कौन क्या कर रहा है। सर वो आएंगे तो जरूर इस मुद्दे पर कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर जैसे ऐसे बिगड़ा है बिहार का, नहीं लॉ एंड ऑर्डर है। आप जरा सोचिए लॉ एंड ऑर्डर। नालंदा के पहाड़पुरा इलाके और सौसराय थाना क्षेत्र के खासगंज इलाके में दो गुटों के बीच जबरदस्त मारपीट और गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में दो युवकों को गोली लग गई। गंभीर हालत में घायल युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी युवकों की पहचान कर ली गई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। वहीं पहाड़पुरा इलाके में हिंसक झड़प के दौरान एक पुलिसकर्मी भी जख्मी बताया जा रहा है। बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा पेश किया। बता दें कि साल 2022-2023 में कुल व्यय 2,35,000 करोड़ रुपए, कुल बजट का प्रकालन 2,37,691 करोड़ रुपए का 99% है। ये व्यय अब तक राज्य का सर्वोच्च व्यय है। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की कई योजना है जिसके तहत वह मदद करती है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार आज नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार शरीफ में हुई हिंसक झड़प की निंदा की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि आपसी सौहार्द बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों से आपसी प्रेम भाईचारा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि घटना की गंभीरता पूर्वक जाँच की जा रही है और ये तनाव हम सब लोग दूर करने में लगे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इस तरह की घटना नहीं हो इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और मैं इस अवसर पर अपील भी करना चाहता हूँ कि शांति से, सद्भाव से, मिलत से, प्रेम से समाज चलता है, समाज में शांति आती है और शांति ही एक रास्ता है। इस रास्ते को हम लोग को अपनाना चाहिए और इससे हम सब लोगों का नुकसान है। अगर समाज में तनाव पैदा होता है, बिहार शरीफ में कहीं कोई वारदात होती है, उससे सब लोगों को नुकसान है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। गया में ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ज्ञान सूर्य भवन ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान की शुरुआत की। वहीं मुख्य अतिथि ब्रह्मकुमारी की निशा बहन ने झंडी दिखाकर जागरूकता अभियान को रवाना किया। वहीं अभियान में शामिल सभी लोगों को ब्रह्मकुमारी की बहनों ने तिलक लगाकर और फूल वर्षा कर रवाना किया। ये ब्रह्मा कुमारी के तरफ से सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन जो किया जा रहा है, ये गया के मुख्य तिथि मुख्य स्थान से होते हुए पूरे गया में घुमाई जाएगी, जो कलेर होते हुए मेडिकल, चनौती, मगध यूनिवर्सिटी और घुघरीटार से होते हुए गया कॉलेज होते हुए मेडिकल कॉलेज से फिर कलेर गांव में आ जाएगी। ब्रह्म कुमारी की बहुत सारे शाखाएँ हैं, कौन सी शाखा से निकाली गई है? ये ट्रांसपोर्ट विंग के द्वारा निकाली गई है। बहुत सारे ब्रह्म कुमारी के संस्थाएं हैं, ये कौन सी संस्था की ओर से निकाला गया है? ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के तरफ बड़ा इशू बनता चला जा रहा है और ये जो इशू है वो लोगों के सड़क परिवहन के जो नियम हैं उनकी जानकारी न होना और उनका परिपालन नहीं करना, इस तरह की जो स्थिति है उसकी वजह से ये उत्पन्न हो रहा है। तो ब्रह्म कुमारी प्रजापति ईश्वरी विश्वविद्यालय की ट्रांसपोर्ट विंग की तरफ से ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है ये बहुत ही पुण्य कार्य है, जिसमें लोगों को जागृत किया जा रहा है कि वो अपने सड़क परिवहन के जो नियम हैं उनका परिपालन करें। उसके प्रायोजन से तत्वाधान में एक बाइक रैली या वाहन रैली निकाली जा रही है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।
बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सहरसा के बनगांव थाना क्षेत्र के पास जय मां भवानी राइस मिल में अचानक भीषण आग लग गई। भीषण आग के चलते मिल में रखा सामान जलकर राख हो गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है। बाढ़ के भदौर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित ऑटो पलट गई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां घायलों का इलाज जारी है। वहीं मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अगली खबर बेतिया से है, जहां नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में जातीय जनगणना को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गणना में शामिल सभी विकास मित्रों एवं सभी शिक्षकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से जातीय गणना संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं प्रशिक्षण के प्रथम चरण में पारिवारिक सृजीकरण किया गया, जिसके बाद दूसरे चरण में मकान गणना संबंधित जानकारी दी गई। नगर परिषद रामनगर में 3 दिवसीय जातीय जनगणना प्रशिक्षण हमारे यहाँ आरंभ किया गया है, और इस प्रशिक्षण में जो भी विभागीय निर्देश जारी करने हैं कि द्वितीय चरण का जातीय जनगणना कैसे होगा, इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और हम आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहेंगे कि इसमें दोनों मोड है। जो जातीय जनगणना होगी उसमें द्वितीय चरण में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हैं, तो सभी जितने अध्यापकगण हैं वो एक प्रगणक और सुपरवाइज़र, उन सबको एक मोबाइल ऐप मिलेगा। मोबाइल जो जानकारी उनको पेपर पे फॉर्म के रूप में भरनी है, वही जानकारी उसमें हर जो फॉर्म रहता है उसमें एक बार कोड है, बार कोड को स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद वही जानकारी उनको ऑनलाइन भरनी है। तो प्रगणक जानकारी भरेंगे, उनको सुपरवाइज़र वेरीफाई करेंगे, फिर हम अप्रूव करेंगे। बेतिया के साटी थाना के पास 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां घायलों का इलाज जारी है। वहीं मामले में थाना अध्यक्ष ने कहा सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, साथ ही दोनों बाइक को जब्त कर लिया गया है और पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। गया में 6 दिवसीय निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जहां मरीजों की जांच कर निशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। बता दें कि इस कैंप में भारत और अमेरिका के अनुभवी चिकित्सकों ने सभी तरह की जांच की। वहीं इस कैंप में लगभग 40 डॉक्टर और 80 से ज्यादा वॉलंटियरों ने हिस्सा लिया।
इसमें लगभग 7,000 लोग लाभान्वित हुए, जिसमें जायदाद के जो ग्रसित थे उन्हें दबा देकर और जिनको आग का प्रॉब्लम था उसे चश्मे देकर उनका इलाज किया गया, और बहुत से मरीज ऐसे आए जिसके हाथ से तकलीफों से ग्रसित थे उन्हें डॉक्टरों का इलाज किया गया। ये सत्या के फाउंडेशन के और इंडियन डॉक्टर के सम्मेलन के वहीं वैशाली के वैशाली थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम के साथ छापेमारी पर निकले एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई। बता दें कि मृतक जवान बीती रात उत्पाद टीम के साथ सिमरा गांव में शराब की छापेमारी करने के लिए गया था, जहां अचानक जवान की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने जवान को मृत घोषित कर दिया। बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3,00,000 से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।